कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री जी के चित्रपट पर तिलक माल्यार्पण धूप दीप करके शुरुआत की गई। उसके बाद आश्रम की संचालिका ने श्री राधा रानी रोटी कपड़ा परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाकर व पटुका पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद भजन गायन किया। निमेश शर्मा ने, आकाश ने, सत्यनारायण ने भजन गायन किया। उसके उपरांत श्री जी को भोग प्रसादी कराई। तत्पश्चात सभी प्रभुजनों को अपने हाथों से भोजन प्रसादी परोसी गई। सभी ने प्रभुजनों को अपने हाथों से भोजन कराया। आज का विशेष भोजन प्रसादी करके प्रभुजनों के चेहरे खिल उठे। ये जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सहज पंडित पाराशर ने कहा कि हमारा परम सौभाग्य है कि सबसे पहले इस जगह पर हमारी संस्था को सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया है। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि हम जरूरतमंद लोगों को सबसे प्राथमिकता देते हैं। आज श्री जी की कृपा से हम लोग आनंद लोक कॉलोनी के पास में यहाँ मौजूद हैं मानसिक दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए। आज 29 मई 2022 रविवार के दिन हमको ये परम सौभाग्य मिला कि यहाँ पे जो मानसिक दिव्यांग लोग रहते हैं उनकी सेवा के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बहन परिवार की तरफ से, जिसमें यहाँ पर इन लोगों के लिए माता पिता जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए वस्त्र वितरण और सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसमें मटर पनीर की सब्जी है, आलू मेथी की सब्जी है, रायता है और चपाती मिष्ठान वगैरह इन लोगों के लिए आज व्यवस्था श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बहन परिवार की हुई है। और मेरा समस्त जनपद के लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चे की जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बुजुर्गों की तिथियाँ है, ऐसे लोगों के बीच में मनाएं। और यहाँ पर प्रथम बार श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का आना हुआ और अभी तक यहाँ कोई संस्था नहीं पहुँची। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो वाकई में जरूरतमंद हैं। ये वो प्रभुजन हैं, वो दिव्यांग मानसिक दिव्यांग प्रभुजन हैं जो परिवार से भी निष्कासित किए गए हैं और ऐसे लोगों की आज हम सेवा के लिए आए हैं श्री राधा।